हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल में आपके काउंसलिंग प्रोसेस में आपके एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना ज़रूरी है, या आप बोल सकते हैं कि काउंसलिंग में अगर आप डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट नहीं रखते हैं, उसको बनवा के नहीं रखते हैं, तो आपका काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जानेंगे क्लास छठवीं, नौवीं और साथ में 11वीं के लिए कौन कौन से आपके जो हैं काउंसलिंग या प्रवेश संबंधित जो आपके आवश्यक सूचना होती है उसकी बात करेंगे। सेशन आपका 2020 और आपका 2021 का ये आपका जो है नोटिस आपका जारी किया गया, जिसमें आपका मेंशन किया गया है कि आपको जो है एप्लीकेंट और साथ में जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनको आपको निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के साथ आपको उपस्थित होना होता है। लॉटरी और साथ में आपके मेरिट सिस्टम के आधार पे आपके एडमिशन प्रोसेस होने के बाद आपके जो होते हैं डॉक्यूमेंट आपकी वेरिफिकेशन होती है, जिसमें जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसको वेरीफाई कराया जाता है। तो कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स आपको लाना काउंसलिंग में ज़रूरी है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो भी आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो भी आपने प्रवेश के लिए भरे गए आवेदन पत्र की आपको छाया प्रति रखनी है, आप प्रिंट आउट करा के इसको लेते आइएगा। जो भी आपने फॉर्म को भरा है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और साथ में आपकी बेसिक डिटेल होती है, तो उसको आपको लाना ज़रूरी है। और साथ में जो भी आपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो उस पर आपने पेस्ट किया था, या आपने जो फॉर्म को भरते समय आपने फ़ोटो दिया हुआ था, उसकी आपको 4 कॉपी और लानी है। छात्र का आपका नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपको 4 कॉपी लाना है, जो आपका कलरफुल होना चाहिए दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट वन आपका पात्रता परीक्षा के मार्कशीट की मूल व छाया प्रति, जो आपका रिजल्ट है उसकी आपको छाया प्रति फोटोकॉपी और साथ में आपको जो है उसका ओरिजिनल आपको सर्टिफिकेट लाना भी पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, अगर आप क्लास 11वीं की एडमिशन प्रोसेस में आप काउंसलिंग में आ रहे हैं, तो आपको जो है क्लास 10वीं का आपका जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट और साथ में आपको उसका जेरोक्स कॉपी लाना है। अगर आप जो है 9वीं की काउंसलिंग में आ रहे हैं, तो क्लास 8वीं का आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट और साथ में उसका आपको जेरोक्स कॉपी लाना है। और लास्ट वन, अगर आप 6वीं की आप काउंसलिंग में आ रहे हैं, तो आपको क्लास 5वीं का मार्कशीट आपको लाना है, और साथ में यहाँ पे लिखा है आपका टीसी। टीसी का मतलब होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की बात की जा रही है, जिसमें आपके सीबीएसई बोर्ड के अतिरिक्त अन्य संबंधित बोर्ड की टीसी जो आपके सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। प्रवेश के समय टीसी नहीं उपलब्ध होने की स्थिति में प्रवेश की तिथि से 1 सप्ताह के अंदर में आपको कंपल्सरी रूप से आपको टीसी जमा करना होगा। अगर सपोज करिए आप काउंसलिंग में आते हैं, किसी भी कारणवश आपके स्कूल में टीसी नहीं मिल पाता है, कोई आपको प्रॉब्लम हो जाती है टीसी को निकलवाने में, तो आपको काउंसलिंग के समय आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है 1 वीक का आपको टाइम दिया जाता है फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए। नेक्स्ट वन आपके 5वें नंबर पे आता है, अगर आप जो हैं SC, OBC, NCL से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति आपको लाना है, जो आपका ओरिजिनल आपका जाति प्रमाण पत्र होता है उसको आपको लाना पड़ेगा। अगर आप PC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या आप PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो आपका फिजिकल चैलेंज बच्चों की बात की जाती है, तो उनके लिए आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, जिसमें आपका विकलांग वर्ग का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप BHU के एम्प्लॉई है, तो आपको LTC सेल BHU द्वारा आपका निर्गत कर्मचारी प्रमाण पत्र, जो आपके BHU के कर्मचारी प्रमाण पत्र होते हैं, जिसमें आपका क्लेरिफिकेशन हो कि आपका इसी एम्प्लॉय का जो है आपका जो है पुत्र या पुत्री आपके सेंट्रल हिंदू स्कूल में प्रवेश के लिए काउंसलिंग करा रहे हैं, तो उस पर आपका जो है क्लियरली मेंशन होगा। अगर आप जो हैं एम्प्लॉय वार्ड से नहीं बिलोंग करते हैं, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप PC कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। और अगर आप जो हैं जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो किसी भी प्रकार का आपको जो है जाति प्रमाण पत्र आपको नहीं बनवाना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वन आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपके अंतिम विद्यालय से बनवाना पड़ेगा, जिसको आपका चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं, 8वें नंबर पर आपका मेंशन किया गया है।
नेक्स्ट वन, इसमें आपके 9वें नंबर की बात करें तो अभ्यर्थी के आधार कार्ड की मूल प्रति एवं छाया प्रति आपको लाना है। अभ्यर्थी के जन्म तिथि संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति आपको लाना है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसको भी यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है, और साथ में आपका जो है आधार कार्ड पे जो भी आपका DOB मेंशन किया जाता है, और जो आपने फॉर्म में DOB भरा है वो आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो है काउंसलिंग में प्रवेश आपका निरस्त कर दिया जाएगा। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा। फिर भी किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है तो उसको जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और भी आपको कुछ विशेष जानकारी बता दी जा रही है, यहाँ पर आपका जो है नोट में कुछ चीज़ें आपकी मेंशन किया गया है, जहाँ पे आपका नोट में जो लिखा गया है कि अभ्यर्थी के नाम को लॉटरी रैंक के अनुसार एक एक करके पुकारा जाएगा। पुकार के समय अभ्यर्थी या आपके जो भी आपके अभिभावक हैं के अनुपस्थित होने या उपस्थित होने के बावजूद भी पूरी फीस न जमा करने की स्थिति में उनकी सीट जो है दूसरे आपके एप्लीकेंट को दे दी जाएगी। तो इसीलिए आपको काउंसलिंग में कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ विद आपकी जो फीस है स्कूल का उसको भी साथ में लेकर आना है। अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन होता है तो तुरंत आपको फीस सबमिट करने के बाद अपनी सीट आपको जो है कंफर्म करा लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे लिखा गया है कि आपका प्रवेश या काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी के प्रवेश या नामांकन से संबंधित संपूर्ण प्रमाण पत्र उपलब्ध होना आपका अनिवार्य है, कंपलसरी है, इसको ध्यान में रखिएगा। कोई भी आपको सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि घर पे आपको छोड़कर आना है। कुछ और आवश्यक सूचना दिया गया था या जो है आपके खास करके 11th के लिए दिया गया था, जिसमें बोला जा रहा है कि जो आपकी मेरिट बेसिस की सूची आपकी निकाली गई है छात्रों की, वह आपका जो है छात्रों ने जो भी आपके सर्टिफिकेट या नंबर उस पर मेंशन किए हैं उसके बेसिस के आधार पे वहाँ पे जो है आपका निकाला गया है, लेकिन उसका जो है आपको कंफर्मेशन देना पड़ेगा। जो भी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसके माध्यम से आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद ही आपको सीटों पे आपके दावेदारी होगी। और साथ में 10वीं का आपको रिजल्ट लाना है, और भी बहुत सारे आपकी चीज़ें मेंशन की गई है जो हमने आपको पहले ही बता दिया कि आपका जो है आपको TC लाना है, और साथ में आपको CC लाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। और किसी भी प्रकार का आपको मैसेज या बुलावा पत्र जो है काउंसलिंग के लिए नहीं दिया जाएगा। जो भी आपको डेट दिया जाएगा काउंसलिंग का, मैं इस चैनल पर अपडेट करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो भी जानकारी होगी आपके सेंट्रल हिंदू स्कूल के रिगार्डिंग इस चैनल पे सबसे पहले और पूरी तरीके से आपको सटीक जानकारी दिया जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा वेट करिए। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं अपडेट कर दूंगा। फिर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं तो उसको जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में, और साथ में जो बच्चे 2022 के लिए जुड़ना चाहते हैं उसका बैच जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा, तो आप जो है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उस बैच की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपके 6वीं, 9वीं और साथ में 11वीं के आपके जो है बैचेज स्टार्ट किए जाएंगे 2022 के आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा और साथ में डॉक्यूमेंट्स जो है अपना बनवा लीजिएगा। फिर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।